हाँ जी, सो वेलकम टू अनदर ब्लॉग। अबे यार जान क्या आ रही है। हाँ, वेलकम टू अनदर ब्लॉग। तो मेरा नाम है तीर्थ। अगर आप लोग ये चैनल पे नए हो तो आई यूजुअली पोस्ट ट्रैवल वीडियोस, बट ये वाला वीडियो थोड़ा हटके है क्योंकि इस वाले वीडियो में हम लोग ले रहे हैं 37 डेज का फिटनेस चैलेंज। विदाउट एनी फर्दर अडू, लेट्स गेट इनटू इट। तो अभी बात ऐसी है कि कुछ दिन पहले, अराउंड 4-5 दिन पहले, मेरे पास मैसेज आता है फिटनेस टॉक्स विद प्रनीत का ऑन इंस्टाग्राम कि देर इज अ 37 डेज चैलेंज एंड वुड यू लाइक टू कोलैबोरेट विद अस। एंड लाइक देन आई हैड अ कॉल विद देम एंड इट वाज रियली इंटरेस्टिंग। द आइडिया बिहाइंड इट इज रियली इंटरेस्टिंग। तो मैंने सोचा कि ओके, लेट्स गिव इट अ ट्राई। उसमें क्या क्या चीज़ें हैं जो 37 डेज में हम लोग करने वाले हैं वो मैं बाद में बताता हूँ, बट उसके पहले जो सबसे पहला दुख है ना वो शेयर करना चाहता हूँ मैं तुम लोगों के साथ। तो अभी बकचोदी ये हुई है कि ना कि सबसे पहली दिक्कत ये है कि उन्होंने खाने का, मतलब उन्होंने बोला कि डाइट तो बदलना पड़ेगा, ये वाला जो करंट डाइट है वो तो कतई ख़राब है ना। एंड इट्स नॉट लाइक कि दे आर जस्ट सेइंग कि तुम इसके बदले ये खाना शुरू कर दो, ये तो गलत ही है। एंड दे आर गिविंग रीजनिंग बिहाइंड इट, है ना। दे कम ऑन अ कॉल एंड दे एक्सप्लेन यू कि ये चीज़ें हैं, ये रीज़न है, इसलिए तुम्हें ये नहीं खाना चाहिए, तुम्हें ये खाना चाहिए, है ना। दिस गुड फॉर योर हेल्थ। दैट बींग सेड, नया जो डाइट प्लान आया है ना, अभी अभी मेरे पास आया है ऑलमोस्ट आधे घंटे पहले, उसमें यार एक तो पहली बात तो अपन गुजराती लोग अपन खाते तो इतना वो चटाकेदार है भाई। मेरे को तो बड़ा पसंद है, मेरे को ऐसे भाई ढोकला खाते हैं अपन, ये खाते हैं वो खाते हैं अपन, यही सब खाते खाते तो बड़े हुए हैं। अपने को अच्छा अचर खुचर खाने में कितना मज़ा आता है, मेरे को पता नहीं हिंदी वर्ड होता है कि नहीं अचर खुचर, बट हाँ, तो हम लोग अचर खुचर खाने में बहुत मज़ा आता है। वो सारी चीज़ें तो ना हो चुकी है, वो तो अलग। रोटी तक नहीं खा सकते हैं, मतलब वो जो घर पे मम्मी घी लगा के रोटी वो नहीं खानी है, बोल रहे कि वीट की कोई चीज़ें नहीं खानी है। तो अभी बाजरे की या जौर की चीज़ें खानी है तो वो मैं लेने निकला हूँ। उसके अलावा प्रोटीन लेना है क्योंकि अपन वेजिटेरियन है, अपन नहीं खाते फिर ये सब चिकन विकन, तो वो भी एक लेने निकला हूँ। और उसके अलावा पनीर बटर ये सब चीज़ें तो लेनी ही लेनी है। बताता हूँ मैं क्या क्या चीज़ें लेनी है, पर बहुत दुख होने वाला है 37 डेज में। स्टे ट्यून्ड। तो अभी निकलते हैं, मैं गाड़ी चालू करता हूँ एंड देन लेट्स गो, और सारी चीज़ें क्या क्या लेनी है वो लेके आता है ना, लेट्स गो। तो ये है मेरी जांगे, ये है गाड़ी, बाहर जहाँ पे मेरे को बहुत खाने की इच्छा हो रही है, सामने पानी पूरी की दुकान है और जिसके बाजू में प्रोटीन शेक की दुकान है। तो प्रोटीन शेक की क्या गवार हूँ मैं, प्रोटीन पाउडर की दुकान है, तो वो लेते हैं। सोच रहा हूँ पानी पूरी खा ही लेता हूँ थोड़ी, आज के दिन तो कर ही सकते हैं, कल से है ये सब। हे रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। ये नहीं दिखाना है, कट कर देना इसको ब्रो लास्ट में। तो अभी मैं जहाँ पे लेने आया था प्रोटीन पाउडर, यहाँ पे कुडासन में, तो पर वहाँ पे ऐसा था कि वहाँ पे मैंने उसकी ऑथेंटिसिटी चेक करने के लिए उनको मैसेज किया, जो स्कैन करके कोड होता है ना हर एक प्रोटीन पाउडर। तो ये ना एक जनरल सी चीज़ है, अब मेरे को नहीं पता अगर तुम लोगों को पता है कि नहीं, बट अगर आप लोग प्रोटीन पाउडर खरीदना चाहते हो तो हर एक जो भी ऑथराइज ब्रांड है ना, वो लोगों ने वहाँ पे एक स्कैनर डाल रखा होगा या फिर कहीं पे आपको टेक्स्ट करने का ऑप्शन दिया होगा। तो आप अगर उस नंबर पे टेक्स्ट करोगे तो उस पे वो दिखाता है कि वो ऑथेंटिकेटेड, मतलब ऑथराइज प्रॉपर, अच्छा वो वे प्रोटीन है कि नहीं है, है ना। तो मैंने जब उनको मैसेज किया वो वाले नंबर से, तो लेट मी शो यू कि क्या रिप्लाई है वहाँ से, है ना। सो दिस वॉज द रिप्लाई कि सीम्स लाइक, एक मिनट दिख रहा है कि नहीं, हाँ सीम्स लाइक दिस इज अ फेक प्रोडक्ट। तो फिर वहाँ से तो मैं ले नहीं पाया, तभी बैठ के ऑनलाइन ऑर्डर कर रहे गाड़ी में बैठ के। तो अभी एक नेक प्रो का प्लेटिनम का एक 100% वे प्रोटीन आइसोलेट मिला है 1000 रुपीज़ का 500 ग्राम्स। तो पहले वो ऑर्डर करते हैं फिर बाकी की चीज़ें लेने चलते हैं। जी तो ये आ गया चीज़, ये पनीर 3 पैकेट ले लिया अपन ने, कमी नहीं होती है। ये दही जार का आटा, पता नहीं मैं इसको खाऊंगा कि भी नहीं, खाना पड़ेगा। ये है किनोआ जो भी बोलते हैं इसको, पता नहीं कहाँ डालूंगा इसको, कहीं तो डाल देंगे खाने में। छाछ, बटर मिल्क, ठीक है, ये मूंग की दाल और फ्रेश मिल्क। चलो